हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अहमद स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आ चुके हैं और इसमें फ्रेंड्स हम लोग एक्सरसाइज 19.8 कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से आगे की तरफ सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से हमारी वीडियोज़ देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में एक्सरसाइज 19.8, उसमें हम लोग जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, करेंगे ऐसे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 13 का। उसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x+3d इंटू √x² +3x(dx), ठीक है फ्रेंड्स, ये है। तो फ्रेंड्स, इसको हम इक्वेशन वन लेते हैं और लेट करते हैं। लेट y बराबर मानते हैं x² + 3x को, और इसका फ्रेंड्स डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आ जाएगा फ्रेंड्स dy/dx बराबर x² का डिफरेंशिएशन आपको करना आता होगा, 2x हो जाएगा, प्लस 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा। हाँ, अगर फ्रेंड्स आपने डिफरेंशिएशन की वीडियोस नहीं देखे हैं और आप इंटीग्रेशन की वीडियोस देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपको डिफरेंशिएशन करना नहीं आता है तब। तो फ्रेंड्स, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ देख सकते हैं, डिफरेंशिएशन की वीडियोस आपके लिए वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन निकाल लिया, dy/dx बराबर 2x+3 हो गया, इसलिए यहाँ से dy का वैल्यू आ जाएगा 2x+3 × dx। अब फ्रेंड्स चलते हैं समीकरण वन से। तो फ्रेंड्स समीकरण वन से चलें तो देखिए फ्रेंड्स, समीकरण वन दिया हुआ है √x² + 3x (2x+3) (dx) इंटू में तो हम कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स, यहाँ वैल्यू रखते हैं √x² + 3x को क्या माने, y माने, तो √y (2x+3) (dx) इसका वैल्यू आया हुआ है dy। अब देखिए फ्रेंड्स, y^(1/2) (dy) तो y^(1/2) का इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं तो फ्रेंड्स इसका इंटीग्रेशन आ जाता है 2/3 × y^(3/2) और प्लस c हो गया, ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ y का वैल्यू रख देंगे वो हम लोग का करेक्ट आंसर आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको यहाँ रख देते हैं वैल्यू यहीं पे, तो आ जाएगा फ्रेंड्स 2/3, हम लोग का आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स 2/3। वाई का वैल्यू है x² + 3x, और इसका पावर है 3/2 और प्लस सी। तो ये रहा फ्रेंड्स हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन, 13 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आप आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 4x+2 × √x² + 6+1 (dx), ठीक है फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करें, तो चलिए करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए, ये इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 2x+1 × √x² + 6+1 (dx). अब फ्रेंड्स देखिए, 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लेते हैं 2, और इंटीग्रेशन ऑफ 2x+ इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको पहले लिख देते हैं मल्टीप्लाई, ये कोई भी पहले लिख सकते हैं √x² + 6+1 (2x+1) (dx), इसको इक्वेशन वन लेते हैं। अब लेट करेंगे फ्रेंड्स, लेट y = x² + 6+1, डिफरेंशिएशन फ्रेंड्स कीजिएगा तो आ जाएगा फ्रेंड्स dy/dx बराबर x² का डिफरेंशिएशन फ्रेंड्स होता है 2x, और प्लस x का डिफरेंशिएशन आपको फॉर्मूला के रूप में हम वहाँ पे नोट कराए हैं, तो फ्रेंड्स x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स dy का वैल्यू आ जाएगा 2x+1 × dx। अब फ्रेंड्स चलेंगे समीकरण वन से। तो देखिए फ्रेंड्स, समीकरण वन क्या दिया हुआ है, जो कि आपके सामने है, 2 × √x² + 6+1 (2x+1) (dx). अब फ्रेंड्स वैल्यू रख देते हैं तो 2 × √x² + 6+1 को फ्रेंड्स क्या माने, वाई माने हैं, तो यहाँ √y हो जाएगा, और 2x+1 × dx इसका वैल्यू फ्रेंड्स dy आया हुआ है, dy हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ हो जाएगा हम लोग का 2
और इंटीग्रेशन ऑफ रूट वाई है तो वाई के पावर वन बाई टू इंटू डी वाई। अभी जस्ट हम लोग पहले क्वेश्चन में वाई के पावर वन बाई टू का इंटीग्रेशन निकाले हैं, बताए हैं कि डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं टू बाई थ्री इंटू वाई के पावर थ्री बाई टू। तो चलिए कर देते हैं टू इंटू टू बाई थ्री वाई के पावर थ्री बाई टू प्लस सी। तो फ्रेंड्स यहाँ बता दें जैसे कि वाई के पावर वन बाई टू का इंटीग्रेशन, तो फ्रेंड्स पावर वाला इंटीग्रेशन में करते क्या है, वन जोड़ देते हैं, ठीक है, जो भी पावर है उसमें वन जोड़ देते हैं और फिर इसी से डिवाइड कर देते हैं, जोड़ जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स आ जाएगा वाई के पावर थ्री बाई टू बट्टा थ्री बाई टू, अभी ये ऊपर चला जाएगा टू बाई थ्री वाई के पावर थ्री बाई टू। इस तरह आप आसानी से कर सकते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली अब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो सिंपल आ रहा है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं टू टू जो फोर बाई थ्री वाई के पावर थ्री बाई टू प्लस सी। अब वाई का वैल्यू रख देते हैं, आगे आंसर फोर बाई थ्री वाई का वैल्यू फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और इसका पावर थ्री बाई टू और प्लस सी। तो ये रहा फ्रेंड्स हम लोग का आंसर, ठीक है, थर्टीन का सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब फ्रेंड्स चलते हैं फोर्टीन नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए इसको रेज करते हैं और देखते हैं कि फोर्टीन नंबर क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जिन भी फ्रेंड्स को नोट करना हो वीडियो पॉज करके नोट करते चलिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस थ्री इंटू अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, ठीक है फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फोर एक्स प्लस थ्री इसको फ्रेंड्स इस तरह लिख देते हैं अंडर रूट फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन इंटू फोर एक्स प्लस थ्री इंटू डी एक्स, इसको इक्वेशन वन लेते हैं। अब फ्रेंड्स लेट करते हैं लेट वाई बराबर फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन को, ठीक है, और इसका जब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा फ्रेंड्स तो आ जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर एट एक्स प्लस सिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अब यहाँ से डी वाई क्या डी वाई नहीं, अभी फ्रेंड्स यहाँ कुछ कॉमन कर लेते हैं, यहाँ टू कॉमन हो जाएगा, तो टू कॉमन करेंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा फोर एक्स प्लस थ्री, अब टू इधर मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डी वाई बाई टू बराबर आ जाएगा फोर एक्स प्लस थ्री इंटू डी एक्स। अब फ्रेंड्स चलेंगे समीकरण वन से, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं समीकरण वन से। तो समीकरण वन पहले नोट कर लेते हैं फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन इंटू फोर एक्स प्लस थ्री इंटू डी एक्स, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया हम लोग का। अब फ्रेंड्स यहाँ जो भी वैल्यू है पुट कर देते हैं फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन को फ्रेंड्स क्या मैंने वाई, तो रूट वाई हो जाएगा, तो रूट वाई इंटू फोर एक्स प्लस थ्री इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू डी वाई बाई टू है तो डी वाई बाई टू कर देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स वन बाई टू जो है कॉन्स्टेंट के रूप में बाहर करते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ वाई के पावर वन बाई टू इंटू डी वाई। जस्ट अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पहले वाली क्वेश्चन में बताएं वाई के पावर वन बाई टू का इंटीग्रेशन होता है टू बाई थ्री इंटू वाई के पावर थ्री बाई टू प्लस सी। देखिए फ्रेंड्स टू से टू कैंसिल हो जाएगा, वन बाई थ्री वाई के पावर थ्री बाई टू प्लस सी, तो वन बाई थ्री वाई का वैल्यू रख देते हैं, तो फ्रेंड्स वाई का वैल्यू है फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन, अब इसका पावर थ्री बाई टू हो गया और प्लस सी। तो ये रहा फ्रेंड्स हम लोग का फोर्टीन नंबर का सोल्यूशन। अब फ्रेंड्स चलते हैं फिफ्टीन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए देखते हैं ना फिफ्टीन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको पहले इरेज कर लेते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स 15 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है फ्रेंड्स ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, इसको इक्वेशन वन लेते हैं। फ्रेंड्स लेट कर लेते हैं लेट वाई बराबर लेट वाई बराबर
वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन जब कीजिएगा फ्रेंड्स तो डीवाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा वन कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन शून्य हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो डीवाई बाई टू बराबर आ गया एक्स इंटू डी एक्स। अब फ्रेंड्स चलते हैं समीकरण वन से, तो देखिए फ्रेंड्स समीकरण वन पहले नोट करते हैं, दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ वन प्लस एक्स स्क्वायर को फ्रेंड्स क्या माना है y, तो अंडर रूट y इंटू एक्स इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू आया हुआ है डी वाई बाई टू, डी वाई बाई टू रख देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ वन बाई टू बाहर करता है कॉन्स्टेंट के रूप में और इंटीग्रेशन ऑफ रूट वाई है तो वाई के पावर वन बाई टू इंटू डी वाई कर देते हैं, ठीक है। और आगे सॉल्व कर लेते हैं वन बाई टू, अभी जस्ट वाई के पावर वन बाई टू का हम लोग शुरू से ही मतलब आज का जो भी हम लोग क्वेश्चन शुरू किए हैं वहाँ से वाई पे कि वाई के पावर वन बाई टू का इंटीग्रेशन करते रहे, टू बाई थ्री इंटू वाई के पावर थ्री बाई टू, टू बाई थ्री इंटू वाई के पावर थ्री बाई टू और प्लस से टू से टू कैंसिल हो जाएगा वन बाई थ्री वाई के पावर थ्री बाई टू प्लस से, तो आ जाएगा फ्रेंड्स वन बाई थ्री इंटू वाई के वैल्यू रख देते वन प्लस एक्स स्क्वायर इसका पावर थ्री बाई टू और प्लस सी। तो फ्रेंड्स ये रहा हम लोग का 15 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर आ चुका है। अब फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग 15 का सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए देखते हैं ना 15 का सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 15 का सेकंड नंबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट वन प्लस टू एक्स स्क्वायर और भी इंटू डी एक्स, ठीक है फ्रेंड्स ये दिया हुआ है 15 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसका इंटीग्रेशन करना है तो चलिए करते हैं, तो फ्रेंड्स इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स, इसको इक्वेशन वन लेते हैं। अब लेट करेंगे फ्रेंड्स लेट वाई बराबर वन प्लस टू एक्स स्क्वायर, इसका जब डिफरेंशिएशन फ्रेंड्स कीजिएगा तो आ जाएगा फ्रेंड्स डी वाई बाई डी एक्स, वन कॉन्स्टेंट है शून्य हो जाएगा और टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा फोर एक्स हो जाएगा, फोर मल्टीप्लाई है इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा तो फ्रेंड्स आ जाएगा डी वाई बाई फोर बराबर एक्स इंटू डी एक्स। अब चलते हैं समीकरण वन से, तो चलिए फ्रेंड्स समीकरण वन देखते हैं क्या है, तो पहले इसको नोट कर दें समीकरण वन को वन प्लस टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू रखेंगे वन प्लस टू एक्स स्क्वायर को फ्रेंड्स क्या माना है वाई, तो रूट वाई हो जाएगा इंटू एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे आपके सामने है और डी वाई बटा फोर, तो डी वाई बटा फोर रख देते हैं वन बाई फोर अब कॉन्स्टेंट के रूप में बाहर कर देते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ रूट वाई है तो यानी कि वाई के पावर वन बाई टू और इंटू डी वाई। फिर देखिए वाई के पावर वन बाई टू आया तो इसका इंटीग्रेशन होता है टू बाई थ्री इंटू वाई के पावर थ्री बाई टू प्लस सी, टू से टू टू जा फोर तो वन बाई थ्री टू जा सिक्स वाई के पावर थ्री बाई टू प्लस, अब वाई का वैल्यू रख देंगे आंसर आ जाएगा वन बाई सिक्स, वाई का वैल्यू फ्रेंड्स वन प्लस टू एक्स स्क्वायर, वन प्लस टू एक्स स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू प्लस सी। तो ये रहा फ्रेंड्स 15 का सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब फ्रेंड्स चलते हैं अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए देखते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो चलिए इसको इरेज करते हैं और देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 16 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस वन बटा अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 इंटू डी एक्स, ठीक है फ्रेंड्स ये दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे तो चलिए करते हैं, तो फ्रेंड्स इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 बटा अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन इंटू थ्री एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं फ्रेंड्स लेट करेंगे लेट वाई बराबर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इस टू एक्स प्लस सेवन। फ्रेंड्स इसका जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर थ्री एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फ्रेंड्स क्या हो जाएगा तो सिक्स एक्स हो जाएगा माइनस टू एक्स का डिफरेंशिएशन टू हो जाएगा, टू कॉन्स्टेंट बार डी एक्स बटा डी एक्स कैंसिल होकर वन हो जाएगा टू इंटू वन यानी कि माइनस टू हो गया, ठीक है सिंपली कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखिए इसमें से टू कॉमन करेंगे तो आ जाएगा फ्रेंड्स थ्री एक्स माइनस वन, अब ये टू मल्टीप्लाई है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो डी वाई बटा टू बराबर आ गया थ्री एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स,
अब फ्रेंड्स चलते हैं अब हम लोग समीकरण वन से। तो देखिए फ्रेंड्स समीकरण वन से चलते हैं तो पहले डायरेक्टली उसमें मान रखते हैं ठीक है। वन बटा अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन को क्या माने हैं, तो फ्रेंड्स वाई, तो रूट वाई हो गया इंटू थ्री एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। इसको फ्रेंड्स इसका वैल्यू आया हुआ है थ्री एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स डिवाइड बटा टू, तो डिवाइड बटा टू कर देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स वन बाई टू को हम बाहर कर लेते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ वाई के पावर माइनस वन बाई टू हो जाएगा ठीक है, माइनस वन बाई टू इंटू डी वाई। अब फ्रेंड्स इसका इंटीग्रेशन होता है वाई के पावर माइनस वन बाई टू का फ्रेंड्स इंटीग्रेशन होता है, तो फ्रेंड्स वाई के पावर माइनस वन बाई टू का इंटीग्रेशन करेंगे या नहीं, तो वन बाई रूट वाई है ना, तो इसको इसी तरह ले जाते हैं ठीक है, वन बाई रूट वाई। इसका फ्रेंड्स इंटीग्रेशन होता है टू रूट वाई, तो हो जाएगा टू रूट वाई और प्लस सी ठीक है, ये टू रूट वाई होता है, वन बाई रूट वाई का इंटीग्रेशन टू रूट वाई। अब देखिए फ्रेंड्स टू से टू कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा रूट वाई प्लस सी। अब वाई का वैल्यू रख देते हैं और आंसर हम लोग का आ जाएगा, तो वाई का वैल्यू है अंडर रूट, यहाँ देख पा रहे होंगे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन, तो रख देते हैं थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन प्लस सी ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फ्रेंड्स चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए देखते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए फ्रेंड्स 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस वन इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स ठीक है फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स चलते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा फ्रेंड्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स, इसको इक्वेशन मान लेते हैं। लेट करेंगे फ्रेंड्स, लेट वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, इसका जब डिफ्रेंशिएशन फ्रेंड्स कीजिएगा तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर टू एक्स और माइनस टू, टू यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा एक्स माइनस वन। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो टू है ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा यानी कि डी वाई बाई टू हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स माइनस वन और ये इंटू डी एक्स। अब फ्रेंड्स चलते हैं समीकरण वन से, तो चलिए समीकरण वन नोट कर देते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। अब वैल्यू रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स को वाई मैंने, तो रूट वाई हो गया और इंटू एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू है डी वाई बाई टू, तो डी वाई बाई टू हो गया। अब वन बाई टू यहाँ से कॉमन कर ले, कॉमन बोल रहे हैं बाहर कर लेते हैं कॉन्स्टेंट है तो, और रूट वाई है यानी कि वाई के पावर वन बाई टू इंटू डी वाई वन बाई टू और इंटू वाई के पावर वन बाई टू का इंटीग्रेशन फ्रेंड्स होता है टू बाई थ्री डी इंटू वाई के पावर थ्री बाई टू प्लस सी, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो फ्रेंड्स आ जाएगा वन बाई थ्री वाई के पावर थ्री बाई टू प्लस सी। वाई का वैल्यू रख देते हैं वन बाई थ्री इंटू वाई का वैल्यू फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और इसका पावर थ्री बाई टू प्लस सी। तो फ्रेंड्स ये रहा हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए इसको इरेज करते हैं और देखते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए फ्रेंड्स 18 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ टू ए एक्स प्लस बी बटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ये इंटू डी एक्स है ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका इंटीग्रेशन करना है तो एक स्टेप आगे चलते हैं, तो फ्रेंड्स आ जाएगा वन बटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू टू ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसको इक्वेशन वन लेते हैं। लेट करेंगे फ्रेंड्स, लेट वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी। अब फ्रेंड्स इसका जब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो फ्रेंड्स आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स ए एक्स स्क्वायर यानी कि ए इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू एक्स प्लस ए, बी है तो बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन तो बी इंटू वन हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया फ्रेंड्स टू ए एक्स प्लस बी
इसलिए यहाँ से डी वाई का वैल्यू आ जाएगा टू ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स समीकरण वन से। तो फ्रेंड्स देखिए समीकरण वन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ वन बट्टा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू टू ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। वैल्यू रख देते हैं वन बट्टा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को वाई माने, तो वन बट्टा वाई इंटू टू ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू फ्रेंड्स डी वाई है, तो इंटू डी वाई। अब फ्रेंड्स आपको मालूम होगा वन बाई वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो फ्रेंड्स वन बाई वाई का इंटीग्रेशन फ्रेंड्स होता है लॉग वाई। ठीक है, तो यहाँ लॉग वाई हो जाएगा लॉग मॉड वाई प्लस सी हो गया कॉन्स्टेंट। अब देखिए यहाँ वाई का वैल्यू रख देंगे आंसर, लॉग मॉड वाई का वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो रख देते हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ये प्लस सी। तो फ्रेंड्स ये रहा 18 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स चलते हैं 18 का सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स इसको इरेज करते हैं और देखते हैं कि 18 का सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए फ्रेंड्स 18 का सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करें, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू डी एक्स। फ्रेंड्स इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, अब लेट करेंगे फ्रेंड्स लेट y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फ्रेंड्स इसके जब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो आ जाएगा डीवाई बाई डी एक्स, 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, इसलिए डी वाई का वैल्यू आ जाएगा फ्रेंड्स 2x इंटू डी एक्स। अब फ्रेंड्स समीकरण 1 से चलते हैं, तो फ्रेंड्स समीकरण 1 से आ जाएगा फ्रेंड्स इंटीग्रेशन ऑफ 1, पहले समीकरण 1 नोट कर दे रहे हैं 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ वैल्यू रख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को फ्रेंड्स क्या माने वाई, तो 1 बटा वाई इंटू 2x इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू है फ्रेंड्स डी वाई। अब फ्रेंड्स फिर यहाँ देख पा रहे हैं आपकी 1 बाई वाई इंटू डी वाई आ गया, तो फ्रेंड्स इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड वाई, तो हो जाएगा लॉग मॉड वाई प्लस सी। अब वाई का वैल्यू रख देंगे आंसर आ जाएगा लॉग मॉड वाई का वैल्यू फ्रेंड्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो फ्रेंड्स ये रहा हम लोग का 18 का सेकंड नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन, जो कि आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब फ्रेंड्स चलते हैं अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए इसको इरेज करते हैं और देखते हैं कि 19 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए फ्रेंड्स 19 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2ax प्लस बी बटा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको एक स्टेप आगे चलेंगे तो सॉल्व करते हैं 1 बटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू टू ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, अब लेट करेंगे फ्रेंड्स लेट वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालिएगा फ्रेंड्स तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 2x प्लस बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा बी। अब इसका डी वाई का वैल्यू आ गया फ्रेंड्स यहाँ से 2ax प्लस बी इंटू डी एक्स। अब फ्रेंड्स चलते हैं समीकरण 1 से, तो चलिए देखते हैं समीकरण 1 से कि क्या सॉल्व आगे आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स समीकरण 1 पहले नोट कर देते हैं 1 बटा अंडर रूट, चलिए नोट कर देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू टू ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अब वैल्यू रखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा रूट टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ देख पा रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या माने वाई, तो रूट वाई इंटू टू ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ आया हुआ है डी वाई, तो डी वाई हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स 1 बाई रूट वाई, देखिए फ्रेंड्स यहाँ दिख नहीं पड़ा, चलिए यहाँ दिखा नोट करते हैं, तो फ्रेंड्स 1 बाई रूट वाई इंटू डी वाई, इसका इंटीग्रेशन फ्रेंड्स होता है 2 रूट वाई और प्लस सी, तो 2 रूट वाई का वैल्यू रख देते हैं
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे देख पा रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें सी दिया हुआ है तो हम यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में यहाँ के ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो प्लस के हो गया, ये हो गया फ्रेंड्स हम लोग का 19 नंबर का सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।